जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है आरबीएसएच की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं आरबीएसएच की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। उद्भव सांस्कृतिक क्रीड़ा संस्थान तथा ग्रीन बोर्ड पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय नृत्य उत्सव ग्रीन बोर्ड उत्सव का शुभारंभ भारत में तजाकिस्तान के राजदूत रहीम जोदा सुल्तान एवं उज्बेकिस्तान के राजदूत फरो औरंगजीब करेंगे। उक्त जानकारी आज उद्भव के अध्यक्ष डॉक्टर केशव पांडे एवं सचिव दीपक तोमर ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा इस बार उद्भव उत्सव शानदार होगा। उद्भव उत्सव पूरे देश से विदेश तक पहुंच गया है और इस बार जो आप उत्सव कर रहे हैं इसके लिए क्या क्या तैयारियां आपने कर रखी हैं, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हो रहे हैं? इसमें आप देखिए कि इटली हो रहा है, इसमें ग्रीस हो रहा है, इसमें ईरान हो रहा है, इसमें स्पेन हो रहा है, ये देश है जो पहली बार आ रहे हैं। इसके अलावा किर्गिस्तान आ रहा है, इसके अलावा श्रीलंका आ रहा है। करीब 8 टीमें हमको फॉरेन से मिल रही है और 2 देशों के राजदूत इसमें आ रहे हैं जो इसका उद्घाटन सेरेमनी में रहेंगे। तजाकिस्तान और किर्गिस्तान से आ रहे हैं दोनों राजदूत, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ये 31 तारीख से इसका उद्घाटन करेंगे और ये 31, 1, 2, 3 तक चलेगा, 3 को समापन होगा। पहले दिन हम लोग एक कार्निवाल भी निकालेंगे, जो कार्निवाल उन बच्चों को सड़कों पर डांस कराता हुआ और जो उद्घाटन स्थल है जीवाजी क्लब वहाँ पहुँचेगा। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय, जो सांस्कृतिक गतिविधियों में बच्चे भाग लेते हैं, इस क्षेत्र के लोग लेते हैं, मध्य प्रदेश के लोग लेते हैं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय मिलता है, मंच मिलता है। जैसा कि आपने बताया कि एक बड़ा मंच है, तो ग्वालियर के बच्चों को इसमें कितना मौका दिया जा रहा है? ग्वालियर के करीब 10 टीम इसमें भाग ले रही है जी, और हम तो सभी को आमंत्रित करते हैं लेकिन जितनी टीम आ जाती है उनको हम इसमें शामिल करा देते हैं। सर, अपील करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे आए। सर, एक बात और कहना चाह रहा था मैं कि जैसे बाहर की संस्कृति ग्वालियर में आकर के अपना परफॉर्मेंस करती है, ग्वालियर की संस्कृति बाहर तक पहुँचे, वो जो कलाकार जहाँ पर आते हैं उसके लिए क्या तैयारी की गई है उद्भव के द्वारा? उद्भव ने ये तैयारी की है कि जो बच्चे हमारे यहाँ फाइनल में सिलेक्ट होते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उनको विदेशों में ले जाते हैं, हर साल ले जाते हैं और करीब 50 यात्राएं करा चुके हैं, 2000 बच्चे हमारे साथ बाहर जा चुके हैं। तो बाहर के जो कलाकार आ रहे हैं उनको ग्वालियर विजिट कराने का भी कोई? ग्वालियर विजिट कराते हैं क्योंकि हमें अपना टूरिज्म बढ़ाना है जी। तो अब पितावली, पड़ावली, ग्वालियर फोर्ट, ताजशहर, सूर्य मंदिर, बल्कि अब आगरा भी उनको ताजमहल भी दिखाते हैं। आपकी संस्था के संरक्षक सदस्य ज्योतिराज सिंधिया जी हैं, इस बार क्या वो कार्यक्रम में आएंगे और उनके अलावा मुख्य अतिथि में कौन कौन आएगा? मुख्य अतिथि में और कौन आ रहा है सर? ये 2 राजदूत बताए ना मैंने आपको, राजदूत आ रहे हैं जी। थैंक। आज की खबरों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए आरबीएस न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद, जय।